आज हम कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय में जो अध्याय 7 है, ये बहुत ही बड़ा पाठ है। तो इसका भाग 5, इसको हमने 6 भागों में बांटा है। तो आप 4 पढ़ चुके हो। आपने पूर्व में पढ़ा था जो एनिमिलिया जगत है, एनिमिलिया जगत को 10 संघ में बांटा गया है। तो आप देखेंगे कि जो 10 संघ है उसमें से हमने 9 संघ के बारे में पढ़ लिया था। एक जो लास्ट वाला जो 10वां संघ था, वर्टिब्रेटा, इसको हम शुरू में 5 वर्गों में बांटते थे, तो पहले, अब इसको हम 6 वर्गों में इसको बांटा गया है। तो पहले ये 6 वर्गों के नाम आप देख सकते हो, साइक्लोस्टोमेटा, मत्स्य, जल स्थलचर इसको, या उभयचर भी कहते हैं। को उभयचर भी कहते हैं। सरीसृप मतलब जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो आते हैं सरीसृप में। पांचवा इसका पक्षी वर्ग और छठवां है स्तनपायी वर्ग। इस प्रकार जो वर्टिब्रेटा हैं, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, आपने शुरू में देखा था एक प्रोटोकॉर्डेटा, उसमें नोटोकार्ड जीवन के किसी न किसी रूप में रहती थी, हमेशा नहीं रहती थी, लेकिन यहाँ पर रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, इस प्रकार आप देख सकते हो। तो ये 6, अब हम इनके बारे में एक-एक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो जो पहला है वो है साइक्लोस्टोमेटा, ये वर्टिब्रेटा का जो पहला, ये वर्ग है, ये जो 6 है ये क्या है, वर्ग। तो पहला वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। ये भी बहुत सरल रचना वाले होते हैं और इनके जो मुंह है उसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, और ये लंबे आकार के, और इनका मुख ऐसा गोलाई लिए हुए रहता है, शल्क रहित, मतलब जैसे आपने देखा था मेंढक के शरीर पर शल्क पाए जाते हैं, मछली के शरीर में शल्क पाए जाते हैं, तो इनके शरीर में कोई भी शल्क नहीं पाए जाते हैं। ये चिकनी त्वचा वाले होते हैं और ये भी अधिकतर समुद्र में ही पाए जाते हैं। पेट्रोमाइजॉन मैगजीन, ये पेट्रोमाइजॉन का चित्र है। इस प्रकार ये पहला वर्ग था साइक्लोस्टोमेटा। अब जो दूसरा वर्ग आएगा वो मत्स्य वर्ग, इससे आप सभी लोग परिचित हैं। मत्स्य वर्ग में जितनी भी मछलियां हैं वो सारी मत्स्य वर्ग में आएंगी। मछलियां समुद्र में भी रहती हैं और एक मीठे नदी के पानी में भी पाई जाती हैं। तो समस्त प्रकार की मछलियां हैं और त्वचा में शल्क पाए जाते हैं। आप देखते हो ना कि जो मछली होती है वो पूरा उसमें क्या पाया जाता है, शल्क, इस टाइप से ये शल्क पाए जाते हैं, और इसमें पंख भी पाए जाते हैं, अग्रपंख और ये द्वि पंख पाए जाते हैं, और एक पुच्छ पंख भी पाया जाता है। तो जो पूंछ रहती है वो तैरने में सहायता करती है, और शरीर अधिकतर धारा रेखी होता है। धारा रेखी मतलब कि बीच में मोटा और किनारों पर पतला, ये आकार, जैसे नाव का आकार होता है ना, इसको हम बोलते हैं धारा रेखी आकार। और यहाँ पर सांस लेने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये सब अधिकतर जलीय हैं, तो ये अधिकतर इनमें गिल्स पाए जाते हैं, और गिल्स ही श्वसन के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकाल लेते हैं पानी में से। असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब होता है कि ये वातावरण के ताप के अनुसार अपना ताप कम या ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए इनको बोलते हैं असमतापी। और इनका जो हृदय है वो द्विकक्षी होता है, इनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, और ये मछलियां जो मत्स्य वर्ग हैं इसमें 2 कक्ष होते हैं। तो आप देखेंगे ये विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, ये देख रहे हो आप, ये एक लाइन फिश है, ऐसे सिर है, ये विद्युत रे, इसमें कभी कभी करंट जैसा उत्पन्न होता है, बिजली जैसा, इसलिए इसको विद्युत रे मछली कहते हैं। स्टिंग रे, और ये डॉग फिश, स्काइलियो डॉन, और भी हैं मछलियां, मछलियों की बहुत सारी जातियां पाई जाती
जाती है। आप देख सकते हो ये है मछलियां, एक घोड़े जैसी दिखती है, तो इसको हम सी हॉर्स या दरियाई घोड़ा, ये मछली है। उड़न मछली एक्सोसीटिस और एनावास और लोबिया, ये सादे नदी के जल, मीठे जल में पाई जाती हैं। इस प्रकार मत्स्य वर्ग की बहुत सारी जातियां हैं। अगला जो वर्ग आएगा वो है जल स्थल चर, इसको हम, ये तीसरा हो गया। पहला पढ़ा अपन ने साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा पढ़ा मत्स्य वर्ग, और ये तीसरा जो वर्ग है वो है जल स्थलचर, या इसको उभयचर भी कहते हैं। उभयचर का मतलब है इस जो जीव है ये जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। इसमें शल्क नहीं होते हैं, शरीर पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि एक प्रकार का मोम जैसा पदार्थ निकालती हैं, शरीर चिकना रहता है। और इनका जो मछली का हृदय द्विकक्षी था, इनके हृदय में जैसे मेंढक वगैरह में 3 कक्ष होते हैं, कोई भी बाह्य कंकाल नहीं होता, शल्क नहीं होते हैं, और उत्सर्जन के लिए वृक्क पाए जाते हैं, श्वसन के लिए गिल्स भी होते हैं, और किसी किसी में फेफड़े भी होते हैं। इस प्रकार ये जंतु अंडे देते हैं और अंडे जल और थल दोनों में रह सकते हैं। मेंढक आप देख रहे हो, सैलामेंडर, टोड, मेंढक की ही एक जाति है टोड, और ये हाइला, ये वृक्षों में भी रहता है, इसलिए इसको वृक्ष मेंढक कहा जाता है। तो आपने मेंढक देखा ही है, तो ये उभयचर है, पानी में भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। फिर इस वर्ग के जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, वो मत्स्य वर्ग के 2 लक्षण बताइए, और आप एक प्रश्न और इसमें लिख सकते हो, उभयचर। धन्यवाद।